भैया मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मेरे घर वाले मेरे लिए टॉप अप करने के लिए पैसे नहीं दे रहे ना, मेरे पास गेम में अच्छा कलेक्शन है, तो मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को देखता हूँ, उनके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं बहुत शर्मिंदा होकर सुसाइड कर रहा हूँ भाई। अरे तो क्या हो गया, तू ऐसा सुसाइड करने के लिए क्यों कह रहा है? मेरे पास भी तो बहुत सारा कलेक्शन नहीं है, तो क्या मैं सुसाइड कर लूँ? अरे मत कर, पागल हो गया क्या? ऐसी चीज़ थोड़ी ना होती है, गेम को गेम की तरह ले, ऐसे थोड़े नहीं। भैया अब मेरे से नहीं रहा जाता, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, अब मेरे को सुसाइड करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैंने घर से ही बहुत सारे पैसे चोरी कर लिए हैं। तो यार ऐसा तो थोड़ी ना होता है, सब कुछ सही हो जाएगा, तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी। कोई टेंशन नहीं है भाई, तू टेंशन ले ही मत इस बात की, चिल मार। मेरे को वीडियो नहीं बनाना था इस चीज़ में, देखा तुम लोगों ने? अभी यही सीन हो रहा है, पहले केरला के दो बंदों ने सुसाइड किया, अभी एक छोटे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मैंने उसकी न्यूज़ कवर नहीं करी थी, बिकॉज मेरे को न्यूज़ कवर नहीं करनी थी। बहुत सारे लोग कमेंट कर करके ये कहते हैं कि तू सिंपैथी के लिए वीडियो बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है, बट मजबूरी में आके मेरे को वीडियो बनानी पड़ी। एंड ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि अभी फ्री फायर पर एक केस हो गया है, जो गृहमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने फ्री फायर पर केस कर दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही उस बच्चे को सुसाइड लेके, जिस बच्चे ने अभी सुसाइड करा था थोड़े दिन पहले। तुमने न्यूज़ वगैरह देखी होगी कि एक बच्चे ने नोट लिखा है, सुसाइड नोट, और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। एंड वो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई थी, वो सब न्यूज चैनल पे भी फैली थी। एंड जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, जहाँ का वो बच्चा था महाराष्ट्र का, उन्होंने भी इस चीज़ पे एक्शन लेते हुए बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया है, मैं आप लोगों को बहुत दिखा देता हूँ यार, मैं भी मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत इमोशनल हो। छतपुर में ऑनलाइन गेम फ्री फायर के कारण बच्चे की जान जाने की घटना दुर्घट है, पुलिस ने FIR दर्ज, जांच शुरू कर दी है। ऐसे गेम बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए विधि विभाग के अफसरों के राय मशवरे कर रहा हूं, जल्द इन्हें कानून के दायरे में लेकर कार्रवाई करेंगे। एंड हाँ, उनका कार्रवाई करना शुरू मतलब बहुत ही ज़्यादा वाला सही है, बिकॉज़ यार ऐसा केस हुआ है, फैमिली वालों ने रिपोर्ट की होगी, FIR की होगी फ्री फायर के ऊपर, तो उन्होंने इस चीज़ पे एक्शन लेते हुआ। एंड ये BJP के कार्यकर्ता हैं, तो इनकी मोदी जी से बात है, जो हमारे मोदी सर प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने फोटोज़ वगैरह भी डाल रखे उनके साथ में, तो बात होगी। एंड मैं आपका इनका एक लेक्चर सुना देता हूँ जो इन्होंने किया था एक डिबेट में, तो मैं आपको सुना। छतरपुर में जो फ्री फायर गेम है, दुखद घटना है वैसे, वो उस पर कंपनी पर FIR कर दी है। प्रदेश में सभी SPOs को ये निर्देश भी दिए कि ऐसी जितनी कंपनियां हैं, जैसे पहले आपने सुना वो ब्लू व्हेल थी, और इस तरह की जितनी कंपनियां हैं, इन सबको ध्यान दें जो बच्चों को एडिक्ट कर रही है इसका। बिल्कुल हाँ, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी मजाक में नहीं ले रहा था, ना मैं तुमसे मजाक कर रहा था इस बात। बहुत सारे लोग सोच रहे कि सिंपैथी के लिए ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसलिए आज मैं पूरा अपने साथ में प्रूफ लेकर आया हूँ, मिनिस्टर जी को लेकर आया, ये होम मिनिस्टर है, इन्होंने पूरा आप तुम्हारे सामने दिखाया है, इन्होंने क्या क्या बोला है, इन्होंने FIR दर्ज कर दिया है, इनके ऊपर केस करने के लिए बोल रहे हैं, इन्होंने और भी ऊपर वाली जो पार्टी है उनसे ही बात करी है, इसके बाद फ्री फायर पर ये करेंगे, फ्री फायर बैन हो सकता है। और एक और चैनल का दिखा देता हूँ मैं तुमको डिबेट, तुमको बिलीव नहीं हो रहा हो कुछ लोगों को, तो News18 एक चैनल। और ब्रेक के बाद खबर छतरपुर से जुड़ी हुई। छतरपुर में फ्री फायर ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में बच्चे के जान गंवाने के बाद सरकार बच्चों के ऑनलाइन गेम कंपनी के मालिकों पर कठोर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गेम कंपनी फ्री फायर पर FIR दर्ज कर दी गई है। इसके साथ ही सभी जिलों के SP को निर्देश जारी किए हैं, जहां भी ऐसे मामले आए वहां सख्त एक्शन लिया जाए। विधि विभाग से भी सुझाव मांगे गए हैं, सुझाव मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये सब चीज़ें दिखाने के बाद अभी भी कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा होगा, वो सोच रहा होगा पता नहीं भाई ये क्यों वीडियो बनाना है, क्या कह रहा है। तो यार News18 जैसे चैनल जो न्यूज़ को कवर कर रहा है, इस चीज़ को बोल रहा है, बहुत सारे चैनल वालों ने न्यूज़ को कवर करा है, तो इस न्यूज़ में कुछ तो दम होगा नहीं यार। पिछली बार जो PUBG बैन हुआ था वो भी इसी बेसिस पर हुआ था, बिकॉज उसके भी बहुत सारे वाले केसेस आ रहे थे। एंड फ्री फायर का भी ऐसा हो रहा है, देखो यार अभी गेम खुलने वाला है, ओपन हो जाएगा 5:30 बजे। तुम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना हो सके यार अपना टॉप अप कम कर दो, जितना भी तुम करते हो ना टॉप अप वगैरह, गन स्किन लेते हो यार, प्लीज़ छोड़ दो, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास पैसे वैसे नहीं होते, वो ये सब ले नहीं पाते हैं, एंड तुमको देख के वो ये सब चीज़ें करते हैं उल्टी सीधी। तो यार प्लीज़ इस चीज़ को रोको, एंड तुमको ज़्यादा को टॉप अप करने की पड़ी, अगर तुम पैसे कमाते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं तब लो, अपने घर वालों के पैसे बिल्कुल भी टॉप अप वगैरह मत करो। बहुत सारे बच्चों को देखा हूं मैं अपने घर से पैसे चोरी करते हैं, एंड फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि घर वालों को पता चल जाता है तो उनको लगता है यार पता नहीं अब घर वाले हमारे साथ में क्या कर लेंगे, तो वो अलग अलग स्टेप उठा लेते हैं यार, मतलब होता है भाई अलग अलग स्टेप उठा लेंगे, क्योंकि बहुत डर जाता है भाई, बच्चा ही तो है, बच्चों को इतना दिमाग कहाँ होता है सोचने वाली थिंकिंग। तो यार
तुम मैं तो देखो कितना ही बोल लो भाई, करने के ऊपर तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करके भी बोलेंगे सिंपथी सिंपथी, तो भाई बोलो यार, मिलता है किसी ने ग्रुप में। टाटा गाइस। Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping, way I'll have your fucking head spinning. I'm known to spit vicious, release bombs and go kick